नमस्कार, स्वागत है आपका मालवीय एकेडमी में। तो बच्चों, सीयूईटी का एग्ज़ाम जो है वो आ चुका है। 15 मई से 31 मई के बीच जो है एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है, लेकिन एक बड़ी गंभीर समस्या है। समस्या क्या है, यूट्यूब पर कट ऑफ से लेकर इतने वीडियोज आ जाते हैं कि बच्चे पढ़ने से ज़्यादा इस बात में जो है वो चिंतन करने लगते हैं कि कट ऑफ जो है वो क्या होगा। तो मैं आपसे कट ऑफ के ऊपर तो डिस्कस नहीं करूंगा, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है कट ऑफ सर बताने वाले हैं। कट ऑफ तो कोई नहीं बता पाएगा, कोई माइक आलाल पैदा नहीं हुआ कट ऑफ बता दे। लेकिन मैं आपसे कुछ एस्पेक्ट पे चर्चा करूंगा ताकि आपकी बुद्धि विकसित कर सकूं कि कट ऑफ एक्चुअली बनेगा कैसे, जो है ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको एनटीए के एग्जाम पैटर्न को समझना है। आप सीयूईटी 2024 के कट ऑफ से पहले जो है एनटीए के एग्जाम पैटर्न को समझिए। एनटीए केवल जो है वो 3 एग्जाम कराता है, जिसमें एक लेता है जनरल टेस्ट, एक आपका लेता है लैंग्वेज का टेस्ट और एक आपका लेता है डोमेन का टेस्ट जो है। इन तीनों एग्जाम के आधार पे यूनिवर्सिटी अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तय करता है। यूनिवर्सिटी अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तय करेगा। अब यूनिवर्सिटी, जैसे उदाहरण के लिए हम बीएचयू का नाम लेते हैं, तो बीएचयू कहता है कि हमारे यहाँ से बीए करने के लिए जो है, हमारे यहाँ से बीए करने के लिए जनरल टेस्ट लैंग्वेज देना होगा। जनरल टेस्ट होता है 250 मार्क्स का, लैंग्वेज होता है 200 मार्क्स का, तो 450 मार्क्स जो हुआ कट ऑफ आया बीएचयू बीए का। लेकिन एक स्पेशल एलिजिबिलिटी लगाया यहाँ पे, कहा 50% ही जोड़ेंगे, यानी उसको आधा करेगा वो, तो यानी टोटल आपका आ गया 350। अब इस 350 में सिलेक्शन कितने पे होगा, ये जो पॉइंट जाएगा उसको कट ऑफ कहते हैं। लेकिन कट ऑफ इज नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सिलेक्शन तो जो है वो नीचे जाके हो सकता है। सिलेक्शन जो है, कई ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो बहुत नीचे जाके होते हैं, मॉप ऑफ राउंड्स वगैरह इत्यादि होते हैं। लेकिन क्या हमको ये बताओ कि कट ऑफ से तुम्हारा काम होगा? अरे तुमको हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, ये तुम तय करोगे ना। हॉस्टल चाहिए तो कट ऑफ मान लो हम बोले देते हैं कट ऑफ, चलो 350 में जो सपोज करिए 290 कट ऑफ जाएगा, तो क्या करोगे तुम? 290 से ऊपर नहीं लाओगे, छोड़ दोगे? हाँ गुरुजी, 290 से ऊपर नहीं लाएंगे। कट ऑफ इज नॉट इंपॉर्टेंट थिंग। इंपॉर्टेंट यह है कि आप कितना मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। जितना मैक्सिमम स्कोर करेंगे आप सफलता के न सिर्फ उतने करीब जाएंगे, बल्कि इस बात की भी सियोरिटी होगी कि आपको अपने मनपसंद का सब्जेक्ट मिलेगा और हॉस्टल भी मिलेगा। इसीलिए मैक्सिमम स्कोर करना है, मिनिमम पर नहीं जाना है। ये कट ऑफ जो है मिनिमम वाले बच्चों के लिए है, और हमको नहीं लगता है कि अगर आप जागरूक हैं आपको मिनिमम की ओर प्रेरित करना चाहिए। हम देखते आते हैं, हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। तो मैं आपको बताने जा रही हूं बीएचयू का कट ऑफ। बीएचयू में बाबू तुम ना 350 में 180 ले आओगे, तुम्हारा सेलेक्ट क्या करेंगे? सिलेक्शन लेके 180 में क्या करेंगे? 180 में सिलेक्शन लेके नेपाली पढ़ने जाएंगे? अरे भाई, हमको जो ऑनर्स चाहिए वो ना कि कन्नड़ पढ़ लेंगे जाके, कि जाकर मलयालम पढ़ ले। हम किसी विषय के ऊपर नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमारी जो रिक्वायरमेंट हम वो पढ़ेंगे ना। तो कट ऑफ हमको बता दे रहे हो, कट ऑफ इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट यह है मैक्सिमम स्कोर कितना लाओगे। और दूसरी चीज, इलिजिबिलिटी अलग अलग लगती है। इसी तरह डीयू की अगर बात करें, डीयू क्या कहा? डीयू कहा कि हमको, दिल्ली विश्वविद्यालय कहा कि हमको जो है तीन डोमेन चाहिए प्लस एक लैंग्वेज चाहिए जो है, यानी 200 मार्क्स का ये हुआ। 200 मार्क्स का होता है 200 × 4, टोटल 800 मार्क्स का हो गया। अब तुम बीएचयू वाला कट ऑफ देख लिए, बीएचयू कट ऑफ कितने पे बनेगा? 350 पे बीए। डीयू कितने पे बनेगा? डीयू बनेगा जो है आपका कट ऑफ जो है, डीयू का कट ऑफ बनेगा जो है जाके 800 पे। अब कोई हम देखे वीडियो बना दिया, सीयूईटी का कट ऑफ मैं बताने जा रहा हूं, हां सीयूईटी का कट ऑफ जो जाएगा 350 नंबर। अरे 350 तुम बता दिए किसके लिए? 350 में एडमिशन होना है? अरे आपको चाहिए बेस्ट कॉलेज, बेस्ट यूनिवर्सिटी। और ऐसा क्या है जो तुमको पूरा नहीं आए? कौन सा क्वेश्चन तुम पहले जान जाओगे? कट ऑफ तो छोड़ के आओगे। 2023 के कट ऑफ का 24 से कोई लेना देना नहीं होगा। वो एक एक्सपेक्टेशंस है जो कि केवल ये तय करता है कि अच्छा इतने बच्चे यहां आ रहे हैं, अभी एग्जाम होगा। बताओ हमको पहले एग्जाम होगा जो है, एग्जाम में सब गधा बैलबा बैठ जाएगा तो कट ऑफ लो चला जाएगा, ऑब्वियस ही बात, एकदम डाउन जाएगा। गधे भाई क्वेश्चन में नहीं बनाएंगे तो कट ऑफ कैसे आ जाएगा? और एग्जाम में अच्छे बच्चे आ जाएंगे तो कट ऑफ एकदम ऐसे बूम मार देगा जो है, सब मेहनत करके जाएगा तो कट ऑफ ऊपर की ओर जाएगा। कई फैक्टर्स हैं, एग्जाम होगा, एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आए, उसके बाद बच्चों का क्या रिस्पॉन्स रहा, ये सारे रिस्पॉन्स मिलेंगे तब ना कट ऑफ बनेगा 2024 का। बताओ हमको, क्या अभी बन जाएगा कट ऑफ? नहीं सर, 2024 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ। कौन सा एक्सपेक्टेशन भाई? तुम्हारी एक्सपेक्टेशन इतनी जबरदस्त होती है, इतना एक्सपेक्टेशन तुम पाल लेते हो, कभी हुई है तुम्हारी? ये बताओ, तुमने जो सोचा कि सर काश वो मेरी हो जाए, हुई वैसे तुम्हारी? नहीं हुई ना। तो एक्सपेक्टेशंस मत पालो, मोर एक्सपेक्टेशंस मोर हर्ट।
ज्यादा तुमको नुकसान करेगा, ज्यादा तुमको दर्द देगा, समझ गए? नो एक्सपेक्टेशन, कोई दुख तकलीफ कुछ जीवन में नहीं आना है, तो एक्सपेक्टेशंस नहीं रखने हैं हमको, वर्क हार्ड करने, कर्मण्येवाधि कारस्ते मा फलेषु कदाचन, हमको उसके लिए प्रयास करना है। तो कटप उटप के पीछे नहीं भागना है, भागना है तैयारी के पीछे, ठीक है? तैयारी करिए कहाँ से करनी है, बाकी हम अपने बैच उसका प्रमोशन नहीं करते, आपको बता दें कि नहीं नहीं अभी एक स्लाइड यहाँ ऐड कर देते जो है कि अच्छा हाँ बाबू इसके लिए चूंकि जो है कट ऑफ 180 जा रहा है तो मैं आपको 181 दिलवा दूंगा और आइए ज्वाइन कर लीजिए गारंटीड सिलेक्शन बैच। इस बैच में हमने 250 से ज्यादा जो है वो PDF दे रखा है, पढ़ेगा कौन? 750 से ज्यादा जो है वो लेक्चर दे रखा है, पढ़ेगा कौन भाई? अरे भाई कम से कम चीजें वैसी हो जो बच्चा कर ले, ठीक ना? तो ये पार्ट जो है वो हम स्किप कर दे रहे हैं, ये सब बाकी आप समझदार हैं, हमको इसमें बहुत बुद्धि देने का आवश्यकता नहीं है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और हाँ, किस विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हो ये बताना, और फिर तुम वही एक्सपेक्टेशन तुम्ही से पूछ लेना, तुम क्या चाहते हो, क्या एक्सपेक्टेशन तुम्हारे हिसाब से जाए जो है, और जो भी तुम लिखोगे उस टॉपिक पर मैं अगला वीडियो जो है लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।